हेलो फ्रेंड्स, चारों मात्रा रसोई में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम अपने वीडियो में एक और लड्डू की रेसिपी लेके आए हैं। सो आइए देख लेते हैं आज हम किस तरीके से लड्डू बनाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हमने एक बॉल लिया है, इसमें हम दो कटोरी अपनी नाप से सूजी लेंगे। नॉर्मल सूजी है जो हमारी हलवे के काम में आती है, बारीक वाली, वही सूजी हमें नाप के दो कटोरी ले लेनी है। हमने ये आधी गिलास दूध लिया हुआ है, इसको अपने इस दूध से सॉफ्ट करेंगे एक आटे की तरह। जब तक हमारी नहीं हो जाती है हमें इसको तब तक के लिए लगा के मिक्स करना है दूध के साथ। ये हमने लगभग 3 बड़ी चम्मच के करीब दूध डाला है और उसी में हमारी सूजी जो है वो अच्छे से मिक्स हो गए, एक आटे की तरह बनना शुरू हो गई है। लेकिन हम इसे अभी थोड़ी देर अभी सोक करके रखेंगे, क्योंकि सूजी है तो थोड़ा सा फूलेगी। सो पहले हम इसे ही आटे की तरह लगा लेते हैं इतने ही दूध में अपने। ये देखिए, ये हमारी सूजी एक आटे की तरह लग के तैयार हो गई है। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। हमारी सूजी को रखे हुए 10 से 15 मिनट का समय हो चुका है और ये देखिए थोड़ी सी हमारी ये टाइट हो गई है, जबकि हमने इसमें थोड़ा ज्यादा ही दूध डाला था सॉफ्ट करने के लिए। सो ये हमारी हल्की सी, इसको हम नीड करेंगे। थोड़ा दूध इसमें एक्स्ट्रा ही डाल के रखिएगा, क्योंकि सूजी जब फूलती है सो हार्ड हो जाती है, क्योंकि सारा दूध या पानी जो है वो सोख कर लेती है। सो इसको इस तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा अपना घी ऐड कर दिया है। हम क्या करेंगे, अब अपनी सूजी में से ये लेंगे थोड़ा सा बॉल, एक छोटे नींबू के साइज का, और उसको इस तरीके से थोड़ा सा लंबा करके पतला चपटा कर लेंगे। इस तरीके से पतले पतले से हम ये बना के अपनी रख लेते हैं। आप चाहें इसकी पूरी एक बड़ी रोटी बनाना तो दो भाग में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं और फिर इसकी एक बड़ी सी रोटी बना के भी इसको हम आगे इसका प्रोसेस कर सकते हैं हमें। लेकिन ये बनाने पतले पतले ही हैं, साइज आप चाहे इसका बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ये होने पतले चाहिए जिससे हमारी ये अंदर तक अच्छे से कुक हो पाए। ज्यादा मोटे होंगे तो अंदर तक कुक होने में हमें परेशानी होगी इन्हें। इस तरीके से हमें इसे पतले पतले ही बना के तैयार करने हैं। आइए जब तक हम इन्हें आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमने एक पैन में ये अपना देसी घी ऐड किया हुआ है, थोड़ा सा ही देसी घी लिया हुआ है आप देख सकते हैं, क्योंकि हम अपनी जो हमने ये सूजी के बना के तैयार करे हैं इन्हें हम जस्ट इन्हें शैलो फ्राई करके ही सेकेंगे। आप इन्हें तवे पे भी पराठे की तरह सेकना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। ये भी 4 एक बार में आ गए हैं, बाकी के बचे हुए हम दोबारा कुक कर लेंगे। तो इन्हें फ्राई होने देते हैं दोनों साइडों से अच्छे से, और फ्लेम अपनी मीडियम ही रखेंगे, तेज नहीं करेंगे, तेज पे वरना हमारे ये जल जाएंगे और अंदर तक हमारे कुक नहीं हो पाएंगे। तो हम इसे फ्लेम सेम मीडियम रख के ही फ्राई करेंगे। देखते हैं हमारे ये एक साइड से हल्के से कुक हो चुके हैं, अब इन्हें हम फ्लिप कर देते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से आपको ये लाइटली गोल्डन ब्राउन कलर में कुक करना है। ज्यादा करेंगे तो वो हमारे अच्छे नहीं लगेंगे, जल जाएंगे, ज्यादा लाल हो जाएंगे। तो सो इसी तरीके से आप इसे भी दूसरी साइड से इतने ही कुक होने तक, इतने ही जब तक हमारे ये फ्राई नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसे कुक कर लेते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं ये हमारे दूसरी साइड से भी अच्छे से लाल हो चुके हैं। ये देखिए, इसे बस हम इतना ही फ्राई करेंगे, दोनों साइडों से हमारे अच्छे से हो चुके हैं। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और जो हमारे दूसरी बार के बचे हुए हैं उन्हें हम फ्राई होने के लिए रखेंगे। देखिए, इस तरीके से हमारी ये सारी टिक्कियां जो हैं सूजी की बनके तैयार हो चुकी हैं। इसे हम हाथ से पहले हल्का सा ब्रेक कर लेते हैं। ये देखिए, अंदर तक आप देखेंगे हमारी अच्छे से सूजी जो है पक चुकी है। इस तरीके से इसे पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं। सारी टिक्कियों को इसी तरीके से पहले हम ब्रेक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने अपने सारे सूजी की टिक्कियों के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे, ग्राइंडिंग जार, उसमें हम इसको ऐड करेंगे। 2 बैचेस में करके हम इसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फाइन पाउडर हमारा सूजी का बनके तैयार हो गया है। इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अगर इसमें कुछ आपको मोटे पीसेस नजर आए तो आप उन्हें वापस से जार में ऐड कर सकते हैं। परफेक्टली हो चुका है। इसी तरीके से दूसरे बैच की भी अपनी सूजी को हम इसी तरीके से फाइन पाउडर बना लेंगे। ये हमने 4 छोटी हरी वाली इलायची ली है, अभी हमारा ये फाइन पाउडर नहीं बना है, इसी में हम छील के इसको ऐड कर देंगे, जिससे हमारी ये इसी के साथ अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगी। ताजी इलायची को इसी तरीके से हम फ्रेशली
कोर्स ग्राउंडेड करके करेंगे ऐड, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो हमारी फ्रेश इलायची होती है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसको हम पीस लेते हैं इसके साथ में ही। ये देखिए, ये भी हमारा अच्छे से पिस गया है, इसे भी इसी में निकाल लेते हैं। ये हमारा मिक्सचर बनके तैयार है। अब आगे क्या करेंगे हम, हमारा जो पैन में घी बचा हुआ था उसमें से हमने बाकी घी निकाल दिया है। 1 टेबल स्पून जितना घी इसमें रहने दिया है। इसी में हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। हमने ये 10 से 12 बादाम लिए थे और उतने ही हमारे काजू हैं। इन्हें इसी में हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं हमने घी में। ये देखिए, हमारे काजू और बादाम अच्छे से पिस भुन चुके हैं। हमें बस इतना ही इसको रोस्ट करना है हल्का सा, जिसमें से जब हल्के हल्के अरोमा आने लगेगी तो हम इसको अपनी फ्लेम से हटा देंगे। तो इसे भी अपने सूजी वाले मिक्सचर में ही ऐड कर देते हैं। अब इसी फ्राई पैन में गैस की फ्लेम बंद कर दी है। इसमें आधी कटोरी जितना ही अपने गोले के बुरादे को ऐड करेंगे। गोले का बुरादा आपको गैस बंद करके ही भूनना है, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है गैस जला के अगर आप इसे रोस्ट करेंगे तो वो हमारा बंद हो जाएगा। तो जितनी हमारी हीट होगी पैन की गर्म, उतने में ही हमारा ये हल्का सा भुन जाएगा। ये हमारा हल्का सा भुन चुका है। इसे भी हम अपने सूजी वाले मिक्सचर में आइए ऐड करते हैं। और अब इन सब चीज़ों को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारा गोले का बुरादा गर्म है इसलिए हम इसे स्पून से ही कर रहे हैं। थोड़ा सा जब मिक्स हो जाएगा सो हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो इसे हम आराम से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें, हमने ये खांड ली हुई है, देसी खांड जो आती है वो हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें 2 कटोरी ही देसी खांड ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी हल्की मीठी होती है। सो 2 कटोरी सूजी है और आधी कटोरी हमारा गोले का बुरादा है। सो लगभग इतनी हमारी शुगर इसमें डल जाएगी। ये हमने 2 कटोरी अपनी चीनी इसमें ऐड कर दी है। हमने खांड ऐड करी है, आप चाहें चीनी ऐड करना सो आप 1.5 कटोरी चीनी लेके उसे पीस लेंगे, तो वो हमारी 2 कटोरी जितनी बनके तैयार हो जाएगी। आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जैगरी पाउडर हो गया, मिश्री वाली चीनी हो गई, आपको जो जैसी सुविधा लगे वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना है जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो हमारा जो सूजी है, हमने पीस के तैयार करी थी सूजी की टिक्कियाँ बना के, वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना हम इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे और हमारी सारी की सारी चीनी या खांड जो भी आप ऐड करेंगे वो मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। अब आप इसे कोशिश कीजिएगा हाथ से बांध के देखने की, अगर इनकेस ये हाथ से नहीं बांधते हैं तो हमें इसमें थोड़ा सा घी अपना ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए अभी हम कर रहे हैं सो हमारे ये जुड़ नहीं रहे हैं, सो हम इसमें थोड़ा सा अपना देसी घी ऐड करेंगे। हमने ये लगभग 2 टेबल स्पून जितना देसी घी लिया है उसे इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको इसमें मिक्स करके देखते हैं। इस तरीके से हमारा ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आना शुरू हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हम इसके फटाफट से लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो हमें चीनी मिलाते हुए हमेशा ये याद रखना है कि हमारा जो भी मिक्सचर हो वो हल्का सा गुनगुना से थोड़ा सा सही होना चाहिए, क्योंकि जब चीनी मिलाते हैं तो भी हमारा थोड़ा सा वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसके ये लड्डू बना के रखते जाते हैं। लड्डुओं का साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा चाहें वैसा आप बना सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आराम से आपके ये सारे लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी सूजी भी घी डालने के बाद भी, जितना घी हमने डाला है उसके बाद भी अगर बिखरी हुई रहती है, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी, पका हुआ उबला हुआ दूध भी मिला सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपके लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। और इस तरीके से ये आप पेपर जो आते हैं नीचे लगाने वाले, उनमें लेके एक एक लड्डू को इस तरीके से सेट करके रख सकते हैं। तो आपके एकदम मार्केट स्टाइल के ये लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कुछ अपने डिब्बे में पैक कर लिए हैं, कुछ हमारी ये प्लेट में लगे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ये थोड़ा सा पीला कलर लिया है, इससे इस तरीके से आप इसके ऊपर एक एक ड्रॉप लगा दीजिएगा, जिससे ये जैसे बाजार में होते हैं उसकी तरह हमारा ये लुक आ जाएगा ऊपर से भी। सो ये हमारे मार्केट स्टाइल के लड्डू घर पे बनके तैयार हैं। ये सो इस तरीके से आप लोग सूजी के लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम चीज़ों में, और बहुत जल्दी ये आपके बनके तैयार हो जाएंगे। टेस्ट में आपको सब बहुत अच्छे लगेंगे। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।